राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व की व्याख्या करने में लगे हैं। उनके कहने का कुल मतलब यह है कि राहुल गांधी हिंदू हैं और पीएम मोदी हिंदुत्व। राहुल गांधी जहां भी जाते हैं इसी तरह की बातें करते हैं। यह कांग्रेस का नया वैचारिक स्टैंड है। हो सकता है कि यूपी विधानसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी कोई नई लाइन पर चले जाएं। दूसरी तरफ कांग्रेस है जो सबको यह बताने में जुटी है कि विपक्ष का मतलब कांग्रेस है और जो उसके साथ नहीं है वो सब बीजेपी और पीएम मोदी के एजेंट है। कांग्रेस इसी फॉर्मूले के सहारे 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है और उम्मीद कर रही है कि इस बार तो सत्ता उसे मिलकर रहेगी। तीसरी तरफ प्रियंका वाड्रा हैं, जिनकी अपनी सियासत है, महिला और मुसलमान। यूपी चुनाव में इसी के आगे पीछे प्रियंका वाड्रा चक्कर लगा रही हैं। मतलब ये कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की रणनीति में कोई तालमेल ही नहीं है। यह दिलचस्प है कि जिस पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस उसे सिद्धू के हवाले कर यूपी में घूम रही है, जहां बंगाल जैसे नतीजे के आसार हैं। यही वजह है कि प्रशांत किशोर को यह कहना पड़ा कि कांग्रेस को जीतने के लिए पार्टी में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने साल 2024 में बीजेपी को हराने का फॉर्मूला भी साझा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पार्टी के रूप में जिस तरह से खुद को स्ट्रक्चर किया है, चुनाव के दौरान जिस तरह से वो जनता तक पहुंचती है और लोगों से जुड़ती है, उसमें बुनियादी गड़बड़ी है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं यह नहीं कहूं कि पार्टी का अध्यक्ष कौन होना चाहिए, लेकिन सिर्फ दलों को इकट्ठा कर लेने से वो बीजेपी से जीत नहीं सकते। उन्होंने कहा कि पार्टी को समझना होगा कि पूरे विपक्ष का मतलब कांग्रेस नहीं है, हमारे देश में कई अन्य पार्टियां हैं। कांग्रेस को मिलकर तय करना चाहिए कि पार्टी का अध्यक्ष किसे बनाना चाहिए। प्रशांत ने कहा कि पार्टी के रूप में कांग्रेस का ग्राफ काफी गिरा है। सबसे पहले तो कांग्रेस को अपने फैसले लेने के तरीकों को बदलने की जरूरत है। फैसले के मुद्दे के अलावा पार्टी को तेजी से निर्णय लेने, स्थानीय नेताओं को सशक्त बनाने पर भी काम करना होगा। इसके अलावा कांग्रेस को डिसीजन लेने के सभी अधिकारों को केंद्रित नहीं करना चाहिए, अन्य नेताओं को भी निर्णय लेने का पावर मिलना चाहिए। प्रशांत ने कहा कि कांग्रेस को आगे जीतने के लिए खुद में बहुत बदलाव लाने की जरूरत है। इसके लिए आपको प्रशांत किशोर या किसी और की सलाह की जरूरत नहीं है। आप जिसे भी चुने वो फुल टाइम प्रेसिडेंट होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।